सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट और हेड एंड नेक कैंसर सर्जन मेयोम हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज हम आप लोगों से बातचीत करेंगे कान की परेशानियों के बारे में, कान के ऑपरेशन के बारे में और कान के ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस चीज़ों के बारे में। हमारे आसपास कई लोग कान की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जैसे कि सुनाई कम देना, कान के पर्दे की झिल्ली में छेद होना, कान में से पस या मवाद आना, इसके साथ साथ सिर में भारीपन होना और दर्द होना भी इस तरह के आम लक्षण हैं। जब हम कान के इस तरह की प्रॉब्लम को चेकअप करते हैं तो हम पहले कान में एक ऑटो वीडियो एंडोस्कोपी करते हैं, जिसमें हम कान के पर्दे को देखते हैं। अगर कान के पर्दे में झिल्ली में हमें कोई छेद मिलता है या कान के पर्दे के पीछे हड्डियों में कोई इन्फेक्शन मिलता है तो हम इसका एक एक्सरे या फिर सीटी स्कैन का टेस्टिंग करते हैं। अगर हमें कान में से मवाद मिल रहा हो तो कई बार इसका हम कल्चर का टेस्टिंग करते हैं, जिससे हम एग्जैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता कर सकें जो कान के अंदर इन्फेक्शन कर रहा है। और हम कान की सुनाई की श्रवण शक्ति को चेक करने के लिए ऑडियोमेट्री का टेस्टिंग करते हैं। इसके साथ साथ हम कान की ऑपरेशन की प्लानिंग करते हैं। आमतौर पे कान के ऑपरेशन को जब कान सूखा हुआ हो, पस नहीं आ रहा हो, तब उस अवस्था में करना चाहिए। इस तरीके से हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं हमें। जब हम कान का ऑपरेशन करते हैं तो कान के पर्दे के को चेंज करते हैं एवं कान के अंदर की जो हड्डियों में इन्फेक्शन होता है उसकी सफाई करते हैं, और साथ ही साथ कान के जो सुनाई की हड्डियां होती हैं जो कि हमारी सुनने में मदद करती हैं उनको हम चेंज करते हैं या फिर इम्प्लांटेशन उनका करते हैं।